हाँ जी सत श्री अकाल जी। असि इस टाइम हाँ गडाणा पिंड च, मेरे नाल ने मेरे मासी जी। सत श्री अकाल मासी जी। इधर ने मेरे दीदी। सत श्री अकाल दीदी। तुसी की कर रहे हो सानू दसोगे प्लीज? बेटे असि तंदूर विच रोटियां लांदे हां, रोटी बनाउण लगे। तुसी मासी जी किन्ने सालां तों जानदे हो ये काम करना? बहुत टाइम ते। तुसी तां यानी कि बहुत ज्यादा मतलब छोटी एज च ही सीख गए होंगे। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿੱਟੂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਲੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। देखो जिहड़ी जिहड़ी रोटी पक रही है वो नाल नाल साइड तो नीचे गिर रही है, तो उसकी दूसरी साइड खुद ब खुद सेक के ओहदे ते तैयार हो रही है। तो उसनूं आपां चिमटे नाल चुक के दूसरी साइड रखी जा रहे हैं। इट्स वेरी नैचुरल एंड गुड फॉर हेल्थ। देखो गर्मी होने करके ना साडी रोटियां छिड़ रही हैं किते किते, वो दिक्कत आ रही है सानूं चक्कन दे विच, क्योंकि गर्मी च आटा पतला हो जाता है ना, इस करके। संदीप आप रे कोई गल नहीं। छेती ला संदीप। लिया बेटे छेती, खाली हो गया तंदूर। मासी जी साडे कह रहे ने तंदूर खाली हो गया है। अपनी नूहां नू जल्दी ले आने कह रहे हैं। देखो मासी जी इस टाइम पसीनो पसीनी होए हैं। धन ने साडियां पंजाब दियां लेडीज ना, इन्ना मेहनत करदियां ने। संदीप छेती ले आ, ले जड़ी जड़ी बन रही है छेती ला, ठंडा हो जाना फिर तंदूर ने। मासी जी तंदूर बारे तुसी दसोगे इनू किदां करना पैंदा, किदां एदा की सिस्टम है? बेटे गारे नाल बनाना पैंदा, पहला थोड़ी थोड़ी बट्टां दे के ना। अच्छा जी। ऊपर तक बनाना पैंदा, फिर बेटे लाग चार दीवारी करके बीच जड़ना पैंदा। अच्छा जी। ये लाग लाग मिट्टी पाई हुई है। ठीक है जी। मिट्टी पा के ऊपर लिपया हुआ है, साइडां ते लिपया हुआ है, इत्थे नूं बेटे हवा लगने वास्ते। अच्छा जी। आ देखो असि अपने व्यूअर्स नूं दिखाना चाहांगे ये हवा लगन वास्ते एदे विच इन्होंने रखा हुआ इदा सिस्टम करके, ताकि वो हवा निकलती रहे इथों ना। अच्छा फिर तुसी इस तंदूर नूं मुगांदे होवोगे ना, जो सानू सिस्टम समझ आ रहा है। देखो बड़े प्यारे तरीके नाल पानी वाला हाथ लगा के विच लगा रहे हैं तंदूर दे। चलो जी मासी जी का इशारा होया भी लग गई ने रोटियां। साढ़े पंजाबियां च अक्सर एक अखाण वरतों च आंदी है, कहते खाइए मन पाउंदा पैनिए जग पाउंदा। खाइए मन पाउंदा तो असी बिल्कुल इत्थे तंदूर दी रोटी वाल इशारा करना चाहांगे कि देखो तंदूर दी जो रोटी है कहंदे ने बड़ी ही लाइट हुंदी है, हल्की हुंदी है, साडी हेल्थ लई अच्छी हुंदी है। सो हाँ जी हाँ जी। ते हुण देखो कोविड दे टाइम च सानू एक ये चीज भी बड़ी सीखने को मिलती है कि देखो कोविड ने बेशक इंसानां नूं एक दूसरे तो दूर होने लई मजबूर कर दिता है, बट किते ना किते अपने कल्चर रिवाइव हो रहे हैं, कल्चर एक नवे वे च रिवाइव हो रहे हैं, कल्चर आपां मतलब कह सकते कि सभ्याचार दुबारा लोकां नूं जुड़न दा मौका मिल रहा है। हाँ जी, कोई बीमारी नहीं होंदी थी। हाँ जी, हाँ जी, हुण गैस पर रोटी बनावा इंसान इन्ना तकलीफ बहुत ही ज्यादा। हाँ जी, इन्ना काम नहीं है जी। असीं अपने मासी जी दा और दीदी दा थैंक्स करना चाहांगे जिन्हां ने सानू इस वीडियो नू बनाने दे विच पूरा कोऑपरेट किया। थैंक यू मासी जी, थैंक यू माई लविंग सिस्टर्स। चोपड़ना बाकी है, मेरे दीदी ने संदीप इत्थे देसी घी नाल रोटियां नू पहला उन्होंने फुलकियां नू अच्छी तरह नाल पौने नाल साफ कीता है तां कि किते इन्हां नू स्वाह या जो कहिंदे राख कहिंदे हिंदी च वो लगी ना रह जे। ते उस तो बाद इन्हां ने देसी घी नाल चोपड़ के उन्हूं रख लेना पौने विच। बड़ा ही साफ सुथरा तरीका है, बड़ा ही हाइजीनिक वे दे विच इन्हां ने खाना बनाया सारा, मतलब फुलके तैयार कीते ने। ते असीं अपने व्यूअर्स नू यही कहना चाहांगे कि बेशक कोविड-19 जे औखे समय ने सानू सारियां नू एक दूसरे तो दूर कर दिता है, रिश्तेदार आपस तो दूर हो गए ने, मिलन लई मजबूर हो गए ने। कई बारी असीं भावुक भी हो जाते हैं कि काश पहला वर्गा समा वापस आ जाए, बट असीं दुआ करांगे उस मालक अगे, परमात्मा अगे कि जल्दी ही ये सारियां दे मेले दुबारा होण, सारियां रौनकां वापस परतन, वेड़ियां च फेर रौनकां लगण उवें ही पहलां वांग, ते सारियां दे वेड़े खुशियां नाल चहकण ते महकण। असी अपने व्यूअर्स नू यही कहना चाहांगे कि तुसी कोविड-19 दे समय इस औखे समय परमात्मा अगे दुआ करो कि औखा समा लंघे, मुड़ असी सारे इकट्ठे हो सकिए। इसी स्नेहे दे नाल असी अपने व्यूअर्स नू धन्नवाद करते हुए अलविदा भी आखांगे।